Hello students as we know chapter 7 which is cyber ethics has started in previous video we have discussed about netiquettes, cyber ethics for e-commerce different types of e-commerce frauds different ways to prevent e-commerce fraud and so on so today in this video i'm going to explain further topics of chapter 7 so let's start and the topic is privacy प्राइवेसी इज डिफाइंड एज द राइट टू कंट्रोल वाट है विद योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इट इज़ डिफाइंड एज द क्लेम ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन टू डिटरमाइन वेन हाउ एंड टू वट एक्सटेंट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू देम कुड बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स तो प्राइवेसी को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका एक ऐसा राइट है कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ क्या होता हो क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो लाइक इंडिविजुअल अगर आप खुद की प्राइवेसी पर्सनल यूजर्स की प्राइवेसी हो गए ग्रुप की इंस्टीट्यूशन की सबकी अलग अलग प्राइवेसी होती है वो ये डिटरमाइन करना होता है कि हाँ कब क्या और कैसा इंफॉर्मेशन वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड यू कैन से प्राइवेसी इज़ आवर राइट टू डिसाइड हाउ मच पर्सनल इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट टू शेयर विद अदर्स अगर सिंपल वर्ड में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेसी है हमारा एक ऐसा राइट है जो ये डिसाइड करता है कि हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कितना और किन किन के साथ शेयर कर सकते हैं ई कॉमर्स कैन पर्टिकुलरली इफेक्ट द प्राइवेसी राइट एंड पर्सनल डाटा ऑफ ए पर्सन वी एक्सपोज ए लॉट ऑफ पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाइल मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अभी जो ई e कॉमर्स है जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जितने भी आपके मर्चेंट कंपनीज होती हैं ई कॉमर्स होती है ये हमारी प्राइवेसी राइट right को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं वो क्योंकि हम लोग जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं थ्रू uh, इंटरनेट uh, तो बहुत सारे पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जो हम एक्सपोज कर देते हैं और ये कंपनी देन इन फर्दर आपकी ये कंपनी इन इंफॉर्मेशन को वो एक्सप्लॉयट करती है ये आपके मतलब गलत वे में यूज हो सकता है एक्सप्लॉयट कर देती है सो हाउ कैन वी सेफ गार्ड आवर प्राइवेसी सो टू सेव गार्ड हे आर द सम वेज टू सेफ गार्ड आवर प्राइवेसी So, do not share your sensitive financial information like credit card numbers, personal verification details, OTP, etc. with anyone, especially on the phone. आपको सबसे पहले क्या है कि आपके प्राइवेसी सेव करने के लिए आपको सेव रखने के लिए कुछ आपको तरीके हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए एंड द फर्स्ट वन इज पीपुल तो आपको क्या करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर पर्सनल वेरिफिकेशन नंबर ओ पिन नंबर इस तरह के जितने भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उनको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और ये तो बिल फ़ोन पे तो किसी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए अगर मान लो कि ऐसा कोई मतलब Uh, कुछ सरकम टांसेस आते हैं कि आपको शेयर करना पड़ रहा है तो फिर भी आप फ़ोन पे ये चीज़ें शेयर करो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नेक्स्ट वे इज प्रोसेस चेक द प्राइवेसी पॉलिसीज ऑफ ऑनलाइन मर्चेंट बिफोर साइनिंग अप और मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन तो जब भी आप किसी मर्चेंट कंपनी लाइक ई कॉमर्स की जो कंपनी होती है उनमें जब आप साइन uh, अप करते हो लाइक अपना अकाउंट बनाते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर करने वाले होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि आपका जो इन्फॉमेसन है जो आप एक्सपोज करने वाले हो that company, उस दैट कंपनी उस कंपनी के साथ वो आपका सिक्योर रहता है कि नहीं नेक्स्ट इज सेलेक्ट द प्राइवेसी क्लाउजिज दैट रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन रिटेलर्स टू शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद अदर बिजनेस और आप जब इस तरह की जब मर्जेंट कंपनी के आप जब प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ रहे होते हो तो अगर वहाँ पे कुछ ऑप्शन इस तरह का आपको प्रोवाइड किया जाता है लाइक इसमें आपका इंफॉर्मेशन अदर बिजनेस के साथ शेयर ना करना हो इस तरह का कुछ अगर ऑप्शन होता है तो उस उस ऑप्शन को आपको शेयर कर लेना चाहिए ताकि आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो वो दूसरे कंपनी दूसरे बिजनेस कंपनी के साथ शेयर नहीं हो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि लाइक आप किसी एक ई e कॉमर्स कंपनी के साथ किसी भी मर्चेंट uh, कंपनी के साथ आप कुछ शॉपिंग के लिए कुछ देखते हो like कुछ प्रोडक्ट uh, हो जो आप है जो आप अपने कार्ट में सेव कर लेते हो फॉर एग्जांपल जीन्स टी शर्ट ऐसा कुछ भी आप अपने कार्ट में सेव करते हो कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि आपका जो सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आप फ्रिक्वेंटली uh, यूज करते हो उस साइट्स में आपको uh, जीन्स और टी शर्ट से रिलेटेड बहुत सारे एड्स आने लगेंगे जबकि आपने उस वेबसाइट में ऐसा कुछ भी मतलब आप ब्राउज़ नहीं किए थे आप वहाँ पे एक्सेस नहीं किए थे ऐसा कुछ भी आप सर्च नहीं किए थे बट आपको वैसे एड्स आने लग गए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस कंप जिस भी ई कॉमर्स साइट पे आप जाते हो लाइक फॉर एग्जांपल आप अमेजन पे जाते हो या फिर मंत्रा पे जाते हो मंत्रा पे आप तीन तीन टी शर्ट वगैरह देखते हो और वहाँ पर अपनी आप जो भी चीज़ें आपको पसंद आते हैं आप उसको कार्ट में सेव करते हो तो ये जो मर्चेंट कंपनीज हुई ये आपका इन्फॉमेशन लाइक like आपके कार्ड में क्या क्या सेव है ऐसी इन्फॉर्मेशन को दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर देती है लाइक like अगर आप मिंत्रा पे ये चीज़ें देखें और ये मिंत्रा की कंपनी क्या हुई दूसरी कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट अमेज़न ऐसे कंपनी के साथ शेयर करती है आपका पर तो उन्हें ये पता चल जाता है कि आपके लाइक्स और डिसलाइक क्या क्या पसंद करते हैं आपके कार्ट में क्या अवेलेबल है भी तो वैसे प्रोडक्ट आपके, आपके सोशल नेटवर्किंग साइट के न्यूज़ फीड पर आपको डिस्प्ले करने लगता है तो इस तरह से होता है क्या कि आपका जो प्राइवेसी है ये इस तरह से आपका मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर देती है तो जब भी आप कभी किसी मर्चेंट कंपनी के साथ आ, साइनिंग अप करते हो विच मीन रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो तो ये क्लाउजेज को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वाट इट इज कुछ भी जो भी है उसको वो दूसरे कंपनी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करें नेक्स्ट वन यूज रीड द रिव्यूज ऑफ़ द ऑनलाइन कस्टमर्स ऑफ द साइट बिफोर मेकिंग एनी परचेजेज और जब भी किसी ऑनलाइन साइट में आप शॉपिंग साइट में आप कुछ परचेज करते हो तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल आपको क्या करना चाहिए उस कस्टमर की वहाँ उस प्रोडक्ट का जो कस्टमर व्यू होता है रिव्यूज़ जो होता है वो जरूर देख लेना चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर उस मर्चेंट कंपनी या फिर ऑनलाइन साइट के बारे में कुछ जो भी रिव्यू देना चाहते हैं अच्छा बुरा जो भी है वो जरूर देख लेना चाहिए नेक्स्ट वेरी टेक्नोलॉजी ऑलवेज सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो हमें आपके प्राइवेसी सही रहे सिक्योर रहे इसके लिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने अकाउंट के लिए सेट करना चा, चाहिए द रूल फॉर सेटिंग पासवर्ड इज़ दैट इफ दे आर इजी टू रिमेंबर देन दे आर इजी टू क्रैक ये बहुत आसान सा रूल आप लोग के लिए मतलब एक पासवर्ड के लिए तैयार किया गया है कि अगर आप कोई ऐसा पासवर्ड सेट करते हो जो आसानी से याद होता है तो वो बहुत आसानी से क्रैक भी किया जा सकता है सो सेलेक्ट सेलेक्टेड पासवर्ड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस बट विच यू कैन रिमेंबर ऑलवेज़ यूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर एंड ए स्पेशल कैरेक्टर टू सेट योर पासवर्ड तो हमेशा क्या करना चाहिए हमें ऐसे पासवर्ड को आप सेट करना चाहिए ऐसे पासवर्ड को चू चूज़ करना चाहिए जो आ, आसान तो हो आपको याद करने के लिए बट आप जिससे आप याद तो कर सको बट वो ट्रेस करना डिफ़िकल्ट हो मुश्किल हो जाए और आपको पासवर्ड जब भी आप सेट करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेटर्स नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो आपका पासवर्ड ताकि कोई भी उसको आसानी से क्रैक ना कर सके चेक इफ द वेबसाइट यू आर एल है एच टी टी पी एस एंड ए पैडलॉग नेक्स्ट टूट और जब भी आप किसी वेबसाइट को आप एक्सेस करने वाले होते हो तो सबसे पहले आप उसे उसके यू आर एल में आपको ये यू आर एल बीच में ई मेल सॉरी यू आर एल आपका जो एड्रेस हो गया जो एड्रेस बार में आप जो यू आर एल प्रोवाइड करते हो एड्रेस बार में तो उस यू आर एल में आपको ये जो मतलब आपको डिटरमाइन कर लेना चाहिए चेक कर लेना चाहिए कि वहाँ पर जो एड्रेस आप प्रोवाइड कर रहे यू आर एल प्रोवाइड कर रहे हो उसके फर्स्ट में एस टी टी पी एस हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर ये आपका मार्क है यानी और उसके बाद एक पैडलॉग साइन है यानी इससे ये पता चलता है कि आपका जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करने कर रहे हो वो सिक्योर है अगर वहाँ पे एस टी टी पी के साथ एस नहीं दिख रहा है डिस्प्ले नहीं हो रहा है विच मीनस वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है और आपको एज सुन एज पॉसिबल उस वेबसाइट को क्लोज कर देना चाहिए बंद कर देना चाहिए नेक्स्ट वन इज अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रेगुलरली इंस्टॉल सेफ्टी सेफ्टी पर पैचेज टू सेफ कार्ड योर कंप्यूटिंग डिवाइसेज़ फ्रॉम मालिशियर सॉफ्टवेयर इलीगल एक्सेस टू बैंक अकाउंट नंबर एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तो हमेशा आपके कंप्यूटिंग डिवाइस वॉट एवर इट इज़ लाइक कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन कुछ भी कंप्यूटिंग डिवाइस आपके पास है तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली आपको अपडेट करते रहना चाहिए और जितने भी सेफ्टी पैचेज है लाइक like आपका एंटी वायरस हो गया जो भी मालीसियर सॉफ्टवेयर से जो आपको बचा सके ऐसे सेफ्टी पैचेज को आपको इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपने कंप्यूटिंग डिवाइस में नेक्स्ट वन नीवर यूज ओपन कनेक्शन फॉर कम्युनिकेशन विच मींस पब्लिक वाईफाई आपको कभी भी पब्लिक वाईफाई को कम्युनिकेशन या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं करना चाहिए दीज आर लोटरसली एंड एंड क्रिमिनल्स कैन ईजिली प्रिंट्रेड थ्रू द दिस कनेक्शन एंड मॉनिटर फाइनेंशियल एक्टिविटीज ये जो पब्लिक वाईफाई है ये बहुत आसान ये बहुत अनसिक्योर ये सिक्योर बिल्कुल भी नहीं होता है और इसमें क्रिमिनल्स जो होते हैं लाइक हैकर्स क्रैकर्स जो भी है बहुत आसानी से इसे एक्सेस कर पाते हैं पब्लिक वाईफाई को एक्सेस कर पाते हैं और आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर रहे हो किस किस वेबसाइट जो वर्टिट कुछ भी जो है ये आसानी से इसे आप मॉनिटर कर पाते हैं सो यूज सिक्योर वाई और मोबाइल डाटा कनेक्शन फॉर मेकिंग एनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो कभी भी अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होता है पैसे के कुछ भी लेन करना होता है तो सिक्योर वाईफाई जो कि आपका पर्सनल वाईफाई है अगर तो सिक्योर वाईफाई यूज़ कीजिए या फिर मोबाइल डाटा कनेक्शन यूज़ कीजिए किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए सो दीज आर द वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्राइवेसी एंड डिफरेंट वेज टू सेव आवर प्राइवेसी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अदर टाइप्स ऑफ फ्रॉड फ्रॉड्स ऑन द इंटरनेट हमारे इंटरनेट में बहुत अलग तरीके से फ्रॉड्स होते हैं बहुत अलग तरीके से आपके साथ मतलब गलत चीज़ें होती हैं एंड दे आर साइबर थिप्ट एंड आइडेंटिटी थिप्टो लेट डिस्कस वन इच ऑफ देम वन बाई वन एंड द फर्स्ट वन इज साइबर थिफ्ट साइबर थिफ्ट इज़ द पार्ट ऑफ साइबर क्राइम्स विच मीनस थिफ्ट कैरिड आउट बाई मीन्स ऑफ कंप्यूटर और द इंटरनेट तो साइबर थिफ्ट को आप ऐसे साइबर क्राइम जो है जो आपका इंटरनेट के थ्रू जो भी क्राइम होता है ये आपका साइबर ट्रिप उसी साइबर क्राइम का एक पार्ट होता है जो कि आपके कंप्यूटर या फिर इंटरनेट के थ्रू हो रहा होता है इट इज़ द स्टीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड बैंक डिटेल्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा फ्रॉम ए कंप्यूटिंग डिवाइस एंड मिस यूज इट टू हार्म द यूजर साइबर ट्रिप को बहुत अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका थ्रू इंटरनेट और कैन से कंप्यूटिंग डिवाइस आपका कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चोरी करना लाइक पासवर्ड बैंक डिटेल क्रेडिट कार्ड के लिए सारी जो इन्फॉमेसन है सेंसीटिव इन्फॉर्मेशन की चोरी करना आपके कंप्यूटर से चोरी कर लेना थ्रू इंटरनेट और फिर इस इंफॉर्मेशन को इन फर्दर मिसयूज करना और आपको ये किसी ना किसी तरह से हार्म पहुंचा रहा है तो ये आपका ये साइबर थिफ्ट है सो वेन वी एक्सेस वी एक्सेस की इन ए लॉट ऑफ पर्सनल इंफॉमेशन ऑन द वेबसाइट जब हम कभी भी किसी वेबसाइट में एक्सेस करते हैं तो बहुत सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है जो कि हम वहाँ पर आ, 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 आप एक्सपोज कर देते हैं मतलब डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगा जाता है वहाँ पर देते हैं एंड विजिट और एंड विजिट द सोशल नेटवर्किंग साइट दैट यू आर ए पार्ट ऑफ इट और वैसा बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट कह लो इंटरनेट कह लो बहुत सारे वेबसाइट होता है जिसे हम एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉमेशन मांगी जाती है तो हम बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका एक्सपोज भी करते हैं दो दिस इंफॉर्मेशन डिटेल्स आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये दिज आर वन टू बी स्टोल एंड मिस यूज बाई थिप्स ऑन द इंटरनेट चूँकि ये सारे वेबसाइट जो है आपके वेबसाइट हो गए या सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गए ये सिक्योर होते हैं कि आपके इन्फॉर्मेशन या सिक्योर रह सकता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं आप वहाँ पे पासवर्ड डाले होते हैं इस आपका कोई इन्फॉर्मेशन कोई स्टील नहीं कर सकता है स्टिल आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये वेबसाइट है ये चोरी हो सकते हैं कुछ इंटरनेट पे जो क्रैकर्स होते हैं हैकर्स होते हैं उनके यूज से तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है कम से कम आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करो और ये आप इसको जितना भी हो सके प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रखना चाहिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी थेफ्ट वेन समवन इल्स यूजेज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी टू क्रिएट फ्रॉडलेंट मैसेज और कमिट क्राइम्स इट इज़ नोन एज आइडेंटिटी थे मतलब आपका जब कोई कोई भी अदर पर्सन आपकी आइडेंटिटी को लाइक योर नेम योर यूजर नेम वट एवर इट इज आपका मतलब कोई भी आपका एक पर्सनल तो आइडेंटिटी को यूज करके किसी को गलत मैसेज करते हैं या फिर कोई क्राइम कर लेते हैं तो ये आइडेंटिटी थेप हुआ मतलब ये उनकी ओरिजिनल आई डी नहीं थी आइडेंटिटी नहीं होती है ये किसी दूसरे यूजर के आइडेंटिटी को यूज करके किसी को गलत मैसेज करते हैं या फिर कोई क्राइम कमिट करते हैं तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट है इन अदर वर्ड्स आइडेंटिटी थेफ्ट इज थे काइंड ऑफ डिसिप्सन स्कैम और क्राइम दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ पर्सनल डाटा सच एज यूजर नेम पासवर्ड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड नंबर आधार आई और यूनिक आई नंबर विच इज़ देन यूज विदाउट परमिशन टू कमिट फ्रॉड एंड अदर क्राइम इसको दूसरे सब वर्ड में हम कहें तो ऐसा है कि ये आइडेंटिटी ऐसा इस, इस तरह का एक क्राइम है और स्कैम कर सकते हो जिसमें आपका बहुत सारा पर्सनल डाटा या इंफॉर्मेशन आपका लॉस होता है वो आपका लोग गलत लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं और फिर उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है बिना आपके परमिशन के इन टूडेज वर्ल्ड द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी इंटरनेट यूजर इज़ टू सेव गार्ट हीज और आइडेंटिटी विच इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट फ्रॉम साइबर थीप्स हैकरस एंड की लॉगर्स तो अभी के टाइम में क्या है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी आपकी खुद की आइडेंटिटी को इंटरनेट पे दूसरे वैसे मतलब बहुत जो आपके जो इंटरनेट पे जो क्रिमिनल्स कस इंटरनेट पर जो थीप्स होते हैं साइबर थीप्स जो होते हैं हैकरस क्रैकर्स उनसे अपनी आइडेंटिटी को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है सो दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स ऑन द इंटरनेट नॉन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन इज इम्पेटिव टू प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर एंड आइडेंटिटी थे तो आपका सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के थ्रू आप ये आप डिटरमाइन करते हो कि आपका जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन है वो आपके मतलब थ्रू इंटरनेट आप जब उसको किसी भी डाटा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हो तो वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट है या सिक्योर है या नहीं बाई द यूज ऑफ सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन आपका यहाँ पे ये यह डिटरमाइन करता है कि आपका जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिशन के थ्रू जब ट्रांसमिट किया जाता है तो वो सिक्योर है तो है कि नहीं दिस स्टेप इंश्योर दैट द यूजर डाटा ट्रेवल्स थ्रू ए सिक्योर इन्वायॉर्मेंट दैट इज रेसिस्टेंट टू पिंट्रेशन एंड हैकिंग और ये जो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन ये जो एक्ट है ये जो स्टेप है ये ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो भी डाटा जो भी इंफॉर्मेशन आपके इंटरनेट में जो ट्रैवल कर रहा है या फिर ट्रांसमिट होता है वो सिक्योर है यानी कि डिटरमाइन कर रहा होता है हे आर सम डिफरेंट वेज टू टेक्निक डिफरेंट टेक्निक टू अप्लाइड फॉर सिक्योर डाटा आपके डाटा को सिक्योर करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके यहाँ पे अप्लाई किए गए फर्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन इज द बेसिस ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म विच इज एसेंशल इन सिक्योरिंग डाटा वेन एन इंडिविजुअल इंट्रोड्यूज हर सेल्फ हिमसेल टू द सिक्योरिटी सिस्टम देन हर हिज आइडेंटिटी हैज़ टू बी वेरीफाइड दिस इज़ कॉल ऑथेंटिकेशन तो ऑथेंटिकेशन क्या इसको आप बहुत सिंपल मैं ऐसे समझ सकते हो कि आप जब भी किसी कंप्यूटिंग डिवाइस जहाँ पे आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप पासवर्ड uh, पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हो पासवर्ड आप पे सेट किए रहते हो तो जभी भी आप किसी सिक्योरिटी सिस्टम को आप एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको अपने बारे में आपका खुद का एक इंट्रोडक्शन एक स्मॉल इंट्रोडक्शन या फिर आपका एक यूजर आईडी इस तरह का कुछ आपको प्रोवाइड करना होता है जो कि कंप्यूटर आपका हो गया या ब्राउजर वो रेरीफाइड करता है कि आप जो डाट अकाउंट एक्सेस कर रहे हो वो आप हो या नहीं और इसे ही हम ऑथेंटिकेशन करते हैं बहुत सिंपल में आप ऐसे समझ सकते हो लाइक आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है और आप उसे आप एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाए मतलब आपका पर्सनल कंप्यूटर है और सिर्फ आप वो लोग ही उसे एक्सेस कर पाएंगे जिनके पास उसका पासवर्ड है तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो लैपटॉप ऑन करते हो तो आपसे पासवर्ड मांगा जाता है अगर आपके पास पासवर्ड पास है आप पासवर्ड इंटर करते हो तो यू कैन इजीली एक्सेस योर कंप्यूटर बट अगर आपके पास पासवर्ड पास नहीं है इट मीन्स आप अनऑथराइज यूज़र हो तो आपको बिल्कुल भी वो फैसिलिटी नहीं मिलती कि आप कंप्यूटर को एक्सेस कर सको सो दिस इज़ अबाउट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज ए पॉलिसी विच डिटरमाइंस वाट इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज कैन बी एक्सेस बाई होम एंड अंडर वाट कंडीशन और ऑथोराइजेशन को आप ऐसे ही समझ सकते हो कि एक इस तरह की पॉलिसी है जिसमें ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक किसी भी तरह के सर्विसेज आपको और कौन सा इंफॉर्मेशन और कितना इन्फॉर्मेशन किसे देना है और मतलब कि किस कंडीशन पे देना है ये सारा कुछ सिर्फ मान लो था दे के लिए कि एक ऐसे यूज़र के पास आपका पासवर्ड है जो कि आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर पाता है तो फिर उसके पास वो ऑथराइजेशन सर्विस को पॉलिसी को भी उसको फ़ेस करना पड़ता है क्योंकि वो कितना डाटा एक्सेस कर सकता है कौन सा इंफॉर्मेशन है जो कि वो एक्सेस कर सकता है और किस कंडीशन और टर्म कंडीशन पर एक्सेस कर सकता है ये सब भी उसे फ़ेस करना होता है तो ये ऑथराइजेशन कहलाता है यूजर नेम एंड पासवर्ड आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन रिस्पेक्टिवली हाउ इवन इन प्रजेंट टाइम ओनली दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एडिकेड तो क्या है कि आपका सिर्फ ऑथेंटिकेशन विच मींस यूजर नेम और पासवर्ड प्रोटेक्टेड अगर आप करते हो लैपटॉप को डेस्कटॉप को किसी चीज भी अपने अकाउंट को तो सिर्फ ऑथेंटिकेशन ही काफ़ी नहीं होता है आपके पास आपके इंफॉर्मेशन को या फिर आपके अकाउंट को लैपटॉप को सिक्योर करने के लिए ऐसे में ऑथराइजेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मीन अगर आप किसी के पास आप कोई अगर आपका अकाउंट या कंप्यूटर एक्सेस कर भी पाता है तो कितना वो एक्सेस कर सकता है आपके इन्फॉमेसन कितना वो आपके इंफॉमेशन को एक्सेस कर सकता है ये डिटरमाइन करना भी ये डिटरमाइन ऑथराइजेशन करता है तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन दोनों बहुत ज़रूरी है आपके डाटा को सिक्योर रखने के लिए नेक्स्ट मान ये इंटरशन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंटरसन डिटेक्शन सिस्टम और कहते हैं आई डी एस चेक ऑल नेटवर्क मूवमेंट एंड आइडेंटिफाई डाउटफुल पैटर्न दैट मे इंडिकेटेड नेटवर्क और सिस्टम अटैक फ्राम सम्पटिंग टू अटैप्टू ब्रेक इन टू अ सिस्टम तो ये जो आपका इंटरसन डिटेक्शन सिस्टम है ये क्या होता है ये सारे नेटवर्क को चेक करता है और ये आइडेंटिफाई चेक करता है फिर मूवमेंट को चेक करता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि जो भी आपके नेटवर्क में जो भी चीज़ें हो रही हैं जो आ, एक्सेस करने की कोशिश हो रही या फिर जो भी आपके पास रिसीव कर रहे हैं आप, आपका आपका नेटवर्क जो रिसीव कर रहा है वो सही है या नहीं अगर किसी भी तरह का को कोई डाउटफुल पैटर्न होता है तो उसको इंडिकेट करता है और फिर सिस्टम को ब्रेक करता है मतलब उसको आने नहीं देता है आप इसको सिंपल में आप कह सकते हो ये आपका जो इंटरसन डिटेक्शन सिस्टम ये एक तरह से आपके लिए एक वॉल का काम करता है जो किसी भी तरह के अनऑथोराइज एक्सेस को आपके कंप्यूटर तक आपके नेटवर्क तक आने नहीं देता है जस्ट लाइक ए वॉचमैन वॉचमैन आपका इन जनरल टर्म आप वॉचमैन यूज कर सकते हो वॉचमैन जो भी होता है वो कोई भी आपके फ्लैट में जो आना चाहता है वो पूरी उसकी मतलब उसको पूरी तरह से डिटेक्ट करता है अगर उसे वो सही लगता है तो वो उसको आ, आ, आगे फर्दर आपके घर तक मतलब आपके तक में विजिट करने देता है अदरवाइज वो वहीं पर तो उसे रोक देता है सेम आपका जो है इंटरसन डिटेक्शन सिस्टम जो हो गया फॉर एग्जाम्पल फायर वॉल आप ले लो फायर वाला आपका सिक्योरिटी वाल का, का काम करता है जो कि किसी भी तरह की जो आपको इलीगल कह लो या फिर अनऑथराइज एक्सेस को वो आपके नेटवर्क तक पहुँचने ही नहीं देता है सो दिस इज अबाउट इंटरसन डिटेक्शन सिस्टम नेक्स्ट वन इंक्रिप्सन एनी कॉन्फिडेंशियल डाटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड ओवर सिक्योर चैनल इट नीड्स टू बी इंक्रिप्टेड और कोडेड बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड तो किसी भी तरह के कॉन्फिडेंशियल डाटा जो कि आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हो किसी पर, पर, पर्सन या किसी मतलब पर्टिकुलर लोग के साथ ही शेयर कर सकते हो तो इस तरह का कोई भी कॉन्फिडेंशियल डाटा जो होता है जब आप उसे आ, इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे होते हो तो उसे सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी होता है तो ऐसे में आपका जो कोई भी डाटा जब ट्रांसमिट होता है तो उससे पहले ट्रांसमिट होने के पहले उसको इंक्रिप्ट करना बहुत जरूरी होता है इंक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इन टू एन अनरीडेबल कोड और इंक्रिप्शन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आपका जो भी डाटा जो भी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट करने वाले होते हो वो सारे डाटा को एक एक अनरीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देना जो कि सारे लोग कोई भी थर्ड पार्टी उसे एक्सेस नहीं कर पाए या पढ़ नहीं पाए ऐसे कोड में कन्वर्ट करता है तो ये आपका इंक्रिप्शन कहलाता है

and the next one is password and pin numbers never share your password and pin number with अनऑथराइज personal under any सरकम circumstances टांसेस so, तो कभी भी अपना password pin number या किसी भी तरह card कार्ड किसी भी तरह का जो सेंसिटिव information होता है वो कभी भी किसी unauthorized पर्सनल या फिर आम, किसी भी सरकम टांसेज में किसी भी सिचुएशन में शेयर नहीं करना चाहिए और थ्रू इंटरनेट थ्रू फोन इंस्टेंट मैसेजे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एंड द लास्ट वन इज़ एंटी वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम विच आइडेंटिफाई प्रिवेंट एंड रिमूव वायरसेज फ्रॉम द कंप्यूटर फ्रॉम आवर कंप्यूटर तो क्या होता है एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि किसी भी तरह के कोई वायरस आता है उसे आइडेंटिफाई करता है प्रिवेंट करता है और या तो उसे रोकता है है फिर आइडेंटिफाई करके उसे रोकता है आपके कंप्यूटर में आने से अगर वो इंटर कर चुका होता है तो फिर उसे रिमूव करने के काम भी एंटीवायरस का होता है तो सो यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर कंप्यूटर विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ़ एंटी वायरस प्रोग्राम टू डिटेक्ट न्यू वायरसेज तो इसीलिए आपको अपने एंटी वायरस जो होता है वो रेगुलरली रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट करते रहना चाहिए क्योंकि जो भी नया वायरस आता है वो उसे डिटेक्ट कर सकें एक्चुअली होता क्या है कि जो एंटी वायरस प्रोग्राम्स होते हैं उनके पास लिस्ट ऑफ वायरस के मतलब वायरस के जो लिस्ट होते हैं नेम्स होते हैं उनके पास अवेलेबल होता है तो जभी भी कोई वायरस अटैक होता है आपके कंप्यूटर पर तो वो उस वायरस के सिम्टम को आप कह सकते हो उसके बिहेवियर को पहचानता है और अपने पास जो उनके पास जो लिस्ट होता है वायरस का उससे वो मैच करता है अगर उनको वायरस पहचान में आ जाता है कि ये नया मतलब ये जो भी वायरस है आप उनके लिस्ट में तो उसे वहीं पर डिटेक्ट करता है और उसे आपके कंप्यूटर में इंटर करने से रोक देता है अगर आप रेगुलरली अपडेट नहीं करते हो एंटी वायरस को तो क्या होता है कि बहुत सारे जैसे एंटी वायरस नए नए होते हैं वैसे वायरस भी नए नए बनते जाते हैं तो अगर आप रेगुलरली अपडेट नहीं करते हो एंटीवायरस को तो उनके पास आपके एंटीवायरस के पास जो लिस्ट होंगे वायरस का वो पुराना लिस्ट होगा विट मीन्स विच मीन्स नए वायरस जो क्रिएट हुए हैं उनकी लिस्ट उनके पास नहीं होगी तो अगर मान लो कोई नया वायरस आपके कंप्यूटर में अटैक कर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो उसके बिहेवियर को नहीं पहचान पाएगा वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा आपका एंटीवायरस उस वायरस को और फिर आपका वायरस वायरस अटैक उस आपके कंप्यूटर पे वायरस अटैक होता है और फिर वो आपके कंप्यूटर को करप्ट कर सकता है तो यू हैव टू अपडेट योर कंप्यूटर योर एंटी एंटी वायरस आपको अपना एंटी वायरस को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम को एंटी वायरस को और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसे रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए सो स्टूडेंट डेट सॉल्व फॉर टुडे आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दो विच आई है The many topics of chapter 7 will be discussed in next video. Thank you.